अंग्रेज बहुत घूम रहे इसमें देखो गाइस, अंग्रेज छोरा अंग्रेज छोरी मम्मा। तो गाइस अब जाएंगे हम इसमें अंदर यार, हम तो पास देख रहे हैं, हम बताए ही ना तो गाइस हमारी बहुत बचत होगी नागर का पास हरदे के पास चल रही है। लो भाई 1857 सारे क्रांतिवीरों की भैया जोड़ के रानी लक्ष्मीबाई बेगम है क्यों का ब्लॉग में मत लेना वो बात। तो गाइस ये रही देखो तलवार मंडे टाइम आवाज मंदी आ रही होगी भाई थोड़ी, और ये कुल्हाड़ी देखो भाई मंदिर टाइम की हटियो बड़ी वाली राइफल मजा आगा भाई आज तो देखने में। देखो भाई हम ऊपर आ गए, जो मैं तुम्हें नीचे तो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ ना जो अंग्रेजन की बनाई हुई है, ये वही बिल्डिंग है देखो, लकड़ी की छत बन रही है पूरी सारी, टोटल लकड़ी की बन रही है सारी छत, पर ये चीज भी लकड़ी की है जी तो चल रही है। देखो भाई ये लकड़ी की बन रही है, ये पूरी बिल्डिंग मतलब की लकड़ी पे खड़ी है, और दीवार पता ना काहे की है, दीवार तो होगी लकड़ी की, फिर दीवार इटन की है और सारी चीज लकड़ी है। देखो और भैया लो देखो ये तलवार ऊपर, और भाई ये तोप के घोड़े है, ये देखो हाँ तोप के घोड़े है, बहादुर शाह जफर की तलवार देखो। मजा आ गया आज घूमने में, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ देखने को मिल रही है, ये चीज़ आज भी है हमारे भारत में। और ये भाई उनके कपड़े हैं बाद में शाहजफर के वस्त्र, देखो भाई
नहीं लगता उसके बाद जो साथ में। और ये बेगम के वस्त्र, ये बेगम के वस्त्र है तो बेगम नीचे नीचे में नीचे को मिला तो नीचे को लगा दिया। ये चीज मिले कौन जो मिलो अपने लगा दियो बेगम के। हाँ फटे 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 है आज के। तो गाइस आप देख सकते हो यादें जलिया, जलिया वाले बाग की याद में उन्होंने कहा 13 अप्रैल 1999। तो गाइस ये अभी बनाया हुआ है तो ना, जो ये सारे जो शहीद हुए ना हमारे हिंदुस्तान के सारे शहीद कौन कौन करो मुझे नहीं करो वो ग्रुप पर पुणे में यू गाइस बुद्धा सिंह है भगत सिंह है तो गाइस इसमें जितने भी शहीद हुए ना हमारे देश के नौजवान सब इसमें मतलब कि दीवारों में नाम लिखे हो रहे देख लो। भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में होगा। तो गाइस नौ देखो खेली कर रहा, जो कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी है नाम अपना। बागी थे हम, बागी है हम, पूछ रहे तो बागी है। ऊपर बंद कर रखा होगा गाइस, वर्क चल रहा हो अभी देखो लिख रहा हूँ वर्क इन प्रोग्रेस। तो गाइस यूट्यूब की देखो नेताजी की जन्म जयंती दिल्ली का किला आजाद सिंह पार्क ओके हलवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ। आजाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान देखो भाई, पहचान पत्र आजाद सिंह फौज के सैनिक का आजाद हिंद फौज के ना मैं तो ये हुई मेडल देने वाले आजाद हिंद फौज की दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में जापानी लड़ाई सौ का सही दस्तों और गाइस ब्लॉग में इतना प्यार देना जो मैं अगला पार्ट भी बना लूँ और अगला पार्ट भी डालूँ आजाद हिंद फौज की ये मेजर की और ऐसे ना होगा ये कभी की बने अवॉर्ड करके तुम सोच रहे मंदिर ले चाहिए। और ये कुर्सी देखो भाई किसके नेताजी की कुर्सी सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी है ओरिजिनल चीज है। मजा आएगा गाइस और गाइस ब्लॉग में इतना प्यार देना हो ना इतना प्यार देना हो कि मैं 2 ब्लॉग बनाकर 3 ब्लॉग जो डालूँ पार्ट वाइड 1 2 3 पार्ट डालूँगा ऐसी ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ तुम्हें ब्लॉग में पुराने बंदे टाइम की अंग्रेजों के टाइम की राजा महाराजाओं के टाइम की जो हमारे क्रांतिवीर सब शहीद हुए सब इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा तुम्हें। यू गाइस देखो बॉस परिवार सुभाष चंद्र बोस का परिवार है सारा देखो गाइस ये पिक उसी टाइम की है मंदिर टाइम की। विद्यालय पहले का विद्यालय के दिन और गाइस ये देखो कि आजाद सिंह फौज के दस्तावेज ये गाइस डायरी है उनकी जिस डायरी में मतलब कि वे लिखे भी गए दस्तावेज देखो
और ये पैसे आजाद सिंह फौज के दिल्ली अभिमान के जो मैंने पहले बाहर भी दिखाए थे, मैं ये देखो 5 का नोट है, 100 का नोट है और ये आजाद हिंद फौज की रूपकट पुस्तिका, ये पुस्तिका और ये आजाद सिंह फौज, ये असली आजाद सिंह हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की रेजिमेंट आशा शायद की टोपी, गाइस देखो टोपी उसी टाइम की है, मजा आगा गाइस, माँ कसम तुम अभी खूब एंजॉय करोगे अभी लोग सारी चीज़ पुरानी चीज़ देखोगे। और ये गाइस आज़ाद हिंद फौज के तमगे मेडल है, ये सारे मेडल रखे हैं तो भाई कैम भैया सब किसको भाई आज़ाद हिंद फौज के चेक भाई उस टाइम की चेक होगी आज़ाद हिंद संघ की चेक भाई। चलो भाई चलो मज़ा आ गया। तो गाइस ये सीन तो तुम्हें फिल्म में देखने को भी मिला होगा, देखो कैसा अपनी सेना मतलब कि समझा रहे हैं नेताजी, देखो भाई। और एक व्लॉग में मैं क्या करूँगा पूरा किला दिखाऊँगा, कवर कर दूँगा सारे, और एक व्लॉग में सारी मतलब कि जो भी है ये मंदिर टाइम की बंदूक तो वो दिखाऊँगा। चलो भाई बाहर चलो। तो गाइस ये वाला बंद है, इसमें पता नहीं कुछ राजा रानी के बारे में कुछ होगा मगर बंद कर रखा हुआ। और गाइस यहाँ है कैंटीन जो अभी खुली है, और वो पीछे देख रहे हो दीवार ही लाल किले की दीवार बाउंड्री हुई पड़ी है पीछे एंड तक, बहुत बड़ा है यार, घूमते घूमते परेशान हो गए हम तो, बहुत ही बड़ा। ये भी बैराग बन रही है मतलब कि कमरे से छोटे छोटे जिनमें मतलब कि राजा के अकबर के घोड़े और सैनिक रह गए वे है पीछे, और इन्हें भूख लग रही है कुछ खाएंगे। तो गाइस ये तो हो गए हमारी मंदिर टाइम कोई चमा। ये गाइस मंदिर टाइम के जो पत्र है लेटर है वे लिखे पड़े हैं, देखो गाइस उर्दू में है कुछ गाली के लव लेटर। तो गाइस यू है लाल किले का निर्माण, देखो जी गाइस पूरा पूरा नक्शा लाल किले जैसे जितने में फैल रहा है, देखो गाइस देखने का नक्शा में लग रहा है छोटा, वैसे बहुत बड़ा है। इधर नक्शा खाली छत्ता बाजार गाइस पहला उक्का देखो फ्लेवर वाला ये बर्तन है, उसके रोनी के सेंट है और ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम रखे उसके रोनी के परफ्यूम है, शीशा और ये कलम है, चक्कू कलम ही, और ये बर्तन है रोटी पड़ते रोटी धोने कितनी तकड़ी है
भैया मैं लेंच जाग रहा है साजा जी को। हाँ सिंपल ये सुनाई है यू नगाड़ा दम दम जो बजे है पता ना काय की खाल इसमें दीवाने आम लोगों का दरबार गर्म खाना में गर्म पानी से नहाते थे, सर्द खाना में ठंडे पानी से, और टेबल पर उन्हें मसाज दी जाती थी। ये है अदाबे हमाम, इसको देख रहे हैं आपको छोटे छोटे छेद। इसके जस्ट नीचे बेसमेंट में रखा जाता था एक बहुत बड़ा बर्तन पानी और फूलों से भर के। तो जब वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंचता था यहाँ से स्टीम रिलीज होती थी फ्रेगरेंस के साथ। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टीम बाथ। अपने मिनी वर्जन बनाया यहाँ पर अदाबे हमाम का आपको फ्रेगरेंस एक्सपीरियंस कराने के लिए। वन बाय वन आप आगे आगे स्मेल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कैसा पहनावा होता था उस समय। सर वीडियो कर लो मैं जल्दी में मैं इस बात में थोड़ी हूँ उसी टाइम में उसी टाइम की तरह छोड़ी उसी टाइम की फेल ऐसी तरह है जैसे उठाती है। चल बस रोक था टू डायमंड है लेकिन इस तख्त का वजन था 1000 किलो। इसे यहाँ से नादिर शाह लौट के लेके चला गया तख्त को पूरे को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी मुगल्स के लिए बट ब्रिटिश ने इसे ऐसे डाइनिंग एरिया यूज़ किया खाने खाते थे। ये मोहम्मद शाह इनके समय पर ही नादिर शाह ने अटैक किया था और यहाँ से तख्त का ताज टूटा था। पूरे 20-30 हज़ार दिल्ली के लोगों की जान गई थी उस पूरी जंग में। तो हमें यहाँ क्या पता चलता है कि मुगल्स कमजोर हो चुके हैं, वो इतने भी पावरफुल नहीं है खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जिसकी वजह से मुगल्स ने मराठों के साथ संधि की और 1752 के बाद यहाँ पर पेशवा की सेना आ गई थी जो दिल्ली को और लाल किले को प्रोटेक्ट कर रही थी। और तकरीबन 1 साल यहाँ से सिखों ने विराज किया है, उनके लिए तो जस्सा सिंह अलग हो गया। फिर बाद में अंग्रेज आ जाते हैं क्योंकि मराठा और मुगल्स की लड़ाई होती है और अंग्रेज यहाँ पर आके बहादुर शाह जफर को शहनशाह बना देते हैं। लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र के राजा होते हैं, इनके पास कोई पावर्स नहीं थी, एक्टिंग एम्परर की तरह ही रूल होता है। तो बाद में अंग्रेज ने रंगून में कैद कर दिया जब ये सपोर्ट करना उन्हें बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट ईयर में करेंगे। लो भाई देख लो ऊपर का नज़ारा लाल किले का, यूरा मेन गेट इस टाइम ऊपर है भाई बिल्डिंग पे और सारे भाई थक चुके हैं। ये रे म्यूजियम में घूम घूम के इनकी पिंडी कॉप चुकी है। सॉरी यार भाई थक गए बहुत ज़्यादा, टूट लिए कती हम उम्र के कच्चे बालक है। सुबह सुबह दौड़ मारना अपना मैं। सो गाइस व्लॉग है पूरी तरह एंजॉय करना, बहुत मस्त व्लॉग है। अब हम घर को निकल रहे हैं, भाई को धन्यवाद कर दो। ये देखो और नागर भाई ने हम बढ़िया तरीके से घुमाए हैं लाल किले में। तो दुकान दिखा दी मैंने वैसे, और दोबारा जाती हुई दिखा देंगे। शॉप नंबर 4 इधर तो ही आ जाओ। ये भाई अंग्रेजन की बनाई रोड बिल्डिंग है सारी, जिनमें म्यूजियम बना दिए। तो गाइस हम दोबारा वापसी मार्केट में आ गए हैं, छत्ता मार्केट नागर भाई की दुकान पे। और गाइस ये नागर भाई की दुकान है, देखो
गाइस हम थक चुके हैं तकड़े वाले भाई इधर दे। तो गाइस हालत हो चुकी है बिल्कुल खराब, कैरन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पमन में। ठीक है अब सोएंगे और व्लॉग एडिट कराएगा मनीष और याद करिए अपना लग गई कार्रवाई को जो माल छोड़ गए और नाल भाई धन्यवाद आपने हम लाल किले में घुमाए भाई का कार्ड बन रहा है तो सारे में मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुई हर जगह मतलब कि भाई का कार्ड राजा वाली फीलिंग आई तो मजा आया भाई थैंक यू दिल से। अब अगली बार जरूर आएंगे दोबारा। चलो गाइस इसी के साथ करते हैं अभी ब्लॉग का एंड ना करें जाते जाते करेंगे मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस अब हम जा रहे घर और यू मार्केट है अंदर दिख रहे हो मार्केट और मार्ट से हम बाहर निकल गए हैं। अब घर की तैयारी है हमारी ये लाल किले की सामने की दीवार है देखो गाइस पूरी बड़ी दीवार यूरो गेट सामने का। हम शॉर्टकट जा रहे हैं अब तो अन्नी पहले घूम के आए हम बेस्ट लग रही हूँ। तो गाइस आओ लाल किला वाकई में बहुत देखने की चीज़ है जो अभी तक ना आया लाल किले घूमने तो एक बार जरूर घूम के जाओ। मैं तो पहली बार आया हूँ मगर मुझे भाई बहुत मज़ा आया लाल किले घूमने में सारी पुरानी चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ें है सारी। तो गाइस ये पीछे से एंट्री है इसकी मेन गेट तो वहाँ से जहाँ सबने एंट्री और ये पीछे का गेट है देखो गाइस इसकी दीवार कितनी ऊंची ऊंची है यार देखियो। क्या चीज़ बनाई है यार मंदिर टाइम में अब ना बनाई ऐसी चीज़ और इधर से ये सारे कमरे बन रहे हैं नीचे कमरे। एक चीज़ है इसकी दीवार की जितनी भी मतलब कि बाउंड्री है ना बाउंड्री के सारे सारे सब कमरे बन रहे हैं चारों ओर इधर भी देखो इधर भी बन रहे हैं मिस्त्री सब कुछ भाई सब कुछ बताऊंगा सब किराया बता देता 1500 हम सब बता देता अगर हम भी कहीं बाहर जाकर रह रहे होते हैं क्या करते हैं ना कर इतना मोटा किराया देंगे क्या करते मुझे तो एक एक दुकान की जगह ही मिल जाना इतनी सी दुकान मिल जा कोई बहुत है देखो ले भाई हाथी मेन गेट पे हाथी ये तो यार अब बनाई होगी ना ये पुराना ही है इसे हाथी गेट कहते हैं बस इसे पेंट करते रहते हैं हर साल। अच्छा तो हाथी जबकि ही है लोग आए हाथी गेट है वो यहाँ खैची संदीप